बचपन की गलतियों के कारण, बुरी आदतों को अपनाने के कारण जो पाचन तंत्र कमजोर हो चुका है, अब खाया पिया शरीर को नहीं लगता। बहुत सारे मित्रों के कमेंट्स भी आते हैं कि भाई जब खुद को देखता हूँ शीशे में तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, काश मैंने वो गलती कभी नहीं की होती। अगर पता होता कि ये हालत हो जाएगी, कुछ भी खा रहा हूँ तो शरीर को नहीं लगता, भूख भी अच्छे से नहीं लगती, तो मैं कभी भी गलती नहीं करता। चलो जो होना था वो हो चुका है, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे किस तरह से अपने वजन को बढ़ाएं नेचुरल तरीके से। जो कुछ भी आपसे कहा गया है इतने दिनों तक कि ऐसे वजन बढ़ाओ या वो करो या ये खाओ, एक बात समझें आप, जो भी खाएंगे जाएगा पाचन तंत्र में। अगर वो पाचन तंत्र कमजोर पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं लगेगा शरीर को। एक इंसान है जो एक रोटी खाता है, उसके शरीर में वो रोटी पूरा लग जाता है। दूसरी तरफ एक और इंसान है जो चार रोटी खाता है लेकिन उसके शरीर में नहीं लगता। तो जिस इंसान के शरीर में खाना नहीं लग रहा है, वो दिन भर में ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर रहा है जिसका उसको भी पता नहीं होता। दवाइयां देने के लिए बहुत लोग हैं भाई, लेकिन छोटी छोटी जो गलतियां हैं जो समय बीतने के साथ बहुत ज़्यादा बड़े परिणाम सामने लेकर आती हैं, उनके ऊपर काम करना पड़ेगा। शक्ति की भरपाई करनी है ना, तो सबसे पहले पाचन तंत्र के ऊपर काम करना पड़ेगा। यानी जो हमारा डाइजेशन है, अगर उसकी ताकत हम वापस ला पाएं तो बस कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट आपके हाथ में होगा। तो काम क्या करना है, आने वाले जो 30 दिन हैं, अपने आप को एक चैलेंज दो कि मैं जो कुछ भी खाऊंगा वो वैसा होगा जो मेरे पाचन तंत्र की शक्ति को बढ़ा दे। लोग आपसे कहेंगे कि भाई काजू, बादाम, अखरोट, किशमिश, ये सारी चीज़ें खाओ। भाई उसका टाइम आएगा, लेकिन उससे पहले एक महीने अपने आप को दो। नियम बना लो कि ब्रेकफास्ट जो सुबह का नाश्ता है, उससे पहले मुझे फ्रूट या फिर फ्रूट जूस लेना है, और जब लंच की बारी आती है उससे पहले सलाद लेना है। इससे पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है, उसकी सफाई होती है अच्छे से, ये जठर अग्नि को बढ़ाता है। भोजन हमेशा जमीन पर बैठकर करें, उससे जठर अग्नि जो है उसकी तीव्रता बढ़ती है और रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होगी। आपको एकदम शांत दिमाग के साथ भोजन करना है। दोनों का बड़ा गहरा कनेक्शन है। अगर आप देखें तो अगर पाचन तंत्र बिगड़ा हुआ है ना, तो हमारे दिमाग में भी उसका असर होता है कि नहीं होता। खुद गौर करना आप, जिस दिन पेट में कोई गड़बड़ी होगी ना, उस दिन मूड अच्छा नहीं रहेगा। तो जितना हो सके अपने आप को शांत रखें। सुबह में रोज खाली पेट पानी पीने की आदत डालें, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो पेट में जानी चाहिए वह है गर्म पानी। इस मौसम में, यानी जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, ठंडियों का मौसम है, तो इस वक्त 2 गिलास आपको हल्का गुनगुना गर्म पानी पीना है। इसको ट्राई करना आप, 10 दिनों के भीतर आपको लगेगा कि मेरी भूख जो है वो बढ़ गई है। ये भूख को बढ़ाएगा, साथ में हम सलाद ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, ये हमारे डाइजेशन को सुधार रहा है। 2 आसन जो बहुत ज़्यादा काम आते हैं पाचन तंत्र को सुधारने में, एक तो हो गया कपालभाति, रोज 15 मिनट अपने आप को दें, और दूसरा वज्रासन, खाना खाने के बाद जो इस आसन में बैठते हैं उनका कण कण पचेगा खाने का। अब जो भी डाइट प्लान के बारे में हम लोग बात करेंगे, उसमें एक चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है कि जो एनर्जी है, आप समझ गए ना किस एनर्जी की बात हो रही है, उस एनर्जी को शरीर से निकलने मत देना। जो भी पास्ट में गलतियां हुई हैं उसको रिपीट नहीं करना है। अपने पाचन तंत्र को सुधारने में आप लगे हो तो मेक श्योर कि वो शरीर में रहे। सुबह का जो ब्रेकफास्ट होना चाहिए ना, वो दिन का सबसे हेवीएस्ट होना चाहिए। यानी उस समय आप ऐसी चीज़ें खाएं जिसमें सही में सबसे ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन मिलता है। उसमें दूध का दलिया हो गया, खिचड़ी, बेसन का चिल्ला, मूंग दाल डोसा, ये वजन बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा है। अब इसी तरह जब लंच की बारी आती है, तो अगर आपसे हो पाए तो ये जरूर करें कि चावल और रोटी दोनों आपकी प्लेट में हो। अपने एक्सपीरियंस आपसे कह रहा हूँ, बहुत अच्छा काम करता है ये वजन बढ़ाने के लिए। इसके अलावा दिन भर में अगर आपको कभी भी भूख लगे तो आप अलग से भिगोया हुआ चना ले सकते हैं। अगर आपसे हो पाए तो बनाना शेक आप ले सकते हैं, पीनट बटर ले सकते हैं। रात में अगर आप ये कर पाए तो आपको बड़े तगड़े रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपसे हो पाए तो थोड़ा सा पनीर 4-5 टुकड़े अगर आप खा पाए तो ये बड़ा अच्छा काम करता है शरीर में। इसमें कैसीन प्रोटीन होता है, स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन है, जो जब आप सो रहे होते हैं ना, तो ये आपके वजन बढ़ाने में काम आता है। एकदम धैर्य के साथ खाने को खाएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, निश्चित तौर पे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और हाँ दोस्त, मैंने आपकी सुविधा के लिए बेस्ट ब्रह्मचर्य किताब का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।